खाने आई हूँ। ये बचपन की है मेरी, ये चिपकू घास इसे कहते थे चिपकू। जब हम छोटे थे तो इसको एक दूसरे पे फेंक फेंक के करते थे, और जिस पे ये फेंक देते थे वो बहुत इरिटेट हो जाता था। देखिए आज मैं इसकी बास्केट बनाऊंगी। ये मेरे गार्डन है और ये मेरे गार्डन में उगी आई है। इससे पहले कि मैं अपने गार्डन को साफ करूं, तो मैं चाहती हूं आपको अपनी चिपकू घास से एक टोकरी बना के दूँ। और अब ये मेरा हॉलीहॉक्स है, ये हॉलीहॉक्स भी जा रहा है। ये देखिए ये हॉलीहॉक्स ये जा रहा है, ये भी इसका लास्ट है। अब मैं चाहती हूँ कि ये इसके जो बीज है इससे मैं कुछ बनाऊँ आर्ट, क्योंकि इफ़ वी लव द नेचर, नेचर विल लव टू यू, दिस इज़ वेरी फैक्ट। ये देखिए अब मैं तोड़ रही हूँ और मैं इसकी एक ग्रीटिंग बनाऊँगी और इससे बास्केट बनाऊँगी। हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। देखिए आज मैं आपको चिपकू घास से कुछ बनाना सिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो मैं तोड़ के लाई बगीचे से, ये हॉलीहॉक्स के बीज है। मैंने इसके बीज तो निकाल लिए हैं, तो मैंने सोचा कि ये इतने खूबसूरत हैं क्यों ना मैं इनको डेकोरेशन कर देती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे इनको जल्दी जल्दी से बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये मैं ये फूल बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि ये जल्द सूख जाए फेविकोल पे। ये देखिए ये फूल है, ये हॉलीहॉक्स का बीज और उसके ऊपर का, इसको मैंने फूल मान के मैं इसकी पेंटिंग कर रही हूँ। इसको मैं वो दे रही हूँ कि ये मेरे बहुत खूबसूरत हैं और मैं नहीं चाहती इनको ऐसा फेंकना, ठीक। देखिए कितने खूबसूरत लगेंगे ये जब ये बन जाएंगे। अभी ये सूख जाएंगे, इनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक मिनट। ये देखिए मैंने जल्दी से बड़ी मुश्किल से ये सेट हुआ हुए हैं, क्योंकि इनके साथ फेविकोल बहुत ज़्यादा लगा है। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम अलग रख देते हैं। अब मैं आपको चिपकू के साथ बास्केट बनाना बताती हूँ। देखिए अब ये मैंने बास्केट ली, ये चिपकू बहुत आसान है। ये इतना चिपकू है कि इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए देखिए अब इसको बनाएंगे बास्केट, फूलों की बास्केट। जब मैं छोटी थी, जब किसी का बर्थडे आता था तो मैं बास्केट ही बना के उसे फूल सजा के देती थी। उस समय ये अक्टूबर में होता था और उसमें गुलमोहर के ऑरेंज फूल होते थे। और ये देखिए अब मैं इसकी बास्केट बना रही हूँ, बड़ा अच्छा और बहुत ही एकदम जिस भी शेप में आप चिपकाएंगे ये चिपक जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए देखिए दोस्तों, ये मेरी चिपकू की बास्केट तैयार हो गई है। और अब देखिए कितने खूबसूरत से ये बास्केट तैयार हो गई है। और ये मैंने छोटी सी बो लगाई थी, ये भी चिपक जाएगी। इसमें ना तो मैं कोई फेविकोल लगाऊंगी, ना मैं कुछ भी गोंद लगाऊंगी, लेकिन ये फिर भी देखिए कैसे चिपकेगी, ये ऐसे। ये देखिए और अब मैं इसको फूलों से सजाऊंगी। छोटे छोटे फूल हैं ये, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसकी उपयोगिता, ये जो जंगली घास है जो इसको हम फेंक देते हैं, हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ये देखिए हमें इनका उपयोग करना चाहिए। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये है। अब ये नहीं चिपक पा रहे, थोड़ा सा हो जाएगा टाइम, लेकिन मैं इनको ऐसे लगा रही हूँ। ये छोड़ा एक मिनट। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रही है ये बास्केट, ये फूलों की बास्केट। ये चिपकू से मैंने ये छोटा सा कार्ड बनाया है, और इसमें मैंने क्या लिखा है, इफ़ यू लव द नेचर, नेचर विल लव टू यू। ये देखिए इनके अंदर बीज, और ये देखिए चिपकू की बास्केट। आई होप यू विल लाइक माई चिपकू बास्केट एंड दिस काइंड ऑफ कार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।